ये खबर सिरसा से कुमारी शैलजा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की गई है और यह वह दिन हो चुका है जिसका हरियाणा वासियों को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और भाजपा की सरकार का पतन होगा। साथियों, कल इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लागू की, हरियाणा के चुनाव की तारीख तय कर दी है। 1 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, वही दिन जिसका सबको हरियाणा वासियों को इंतज़ार था। कांग्रेस 10 साल से संघर्ष कर रही है, इस बार हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा के लोग इस उम्मीद में कि भाजपा की सरकार अब जाए और कांग्रेस की आए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। लोकसभा में आपने उसका नमूना देखा, लेकिन विधानसभा में और भी अच्छे मतों से, लोकसभा से भी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ते हुए लोगों को उनके पसंद की सरकार दे। लोगों की उम्मीद भी कांग्रेस पर टिकी हुई। आज के दिन कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो दुखी ना हो। भाजपा शायद ये बात पहचान गई है और इनके एक्शंस आप देखते रहिए, जब से इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, आनन फानन में, जल्दबाजी में मुख्यमंत्री बदला, सोचते हुए कि 10 साल की जो रिपोर्ट थी वो शायद मिट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल चेहरा बदलने से इनका असली चेहरा छिपा नहीं है और लोगों ने इस बात को, इनके असली चेहरे को पहचान लिया है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्योंकि विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। हम सिरसा में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 9 की 9 सीट हम जीतेंगे। लोकसभा में तो अच्छा नतीजा आया ही, लेकिन विधानसभा में उससे भी बेहतर नतीजा, उससे अच्छे ढंग